जय हिंद। आज आप लोगों का फिर से स्वागत है इस ट्रिग्नोमेट्री की एक नई सीरीज की एक नई क्लास में। देखो, अभी तक जो चल रहा था वो चल रहा था, लेकिन अब हम लोग लगभग रेगुलर ही क्लास लेते रहेंगे और सवाल को प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे और जो बचे हुए दिन हैं, इन दिनों में लगभग त्रिकोणमिति को ख़त्म कर लेंगे। तो बने रहेगा हमारे साथ। देखो, शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। तो आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन होता है तो कैसे होता है। ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, इनके क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसा होता है, कहाँ से निकल के आती है, इनका प्रूफ क्या, हम बता देना कि वक्त लगेगा, लेकिन जब वक्त जाएगा और जब उसके बाद जो सीखोगे वो एक अनोखा और एक एक नया अंदाज, एक नया अनुभव होगा। क्योंकि आप लोगों को यार सिखाया ये नहीं बताया जाएगा कि देखो, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन। सब लोग जानते हैं वन होता है, लेकिन हम पूछे हाउ, कैसे होता है, तो फिर क्या बताओगे? तब नहीं बता पाओगे ना कि कैसे होता है। जो लोग बता पाएंगे उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छी बात है। जो लोग नहीं जानते उन लोगों के लिए हम जरूर बताएंगे कि ये होते क्या हैं, कहाँ से आते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो लगभग बेसिक टू हाई और हाई रहेगी, और क्लास ज़्यादा लंबी ना लेते हुए कम क्लास लेंगे, क्योंकि पता है थोड़ी तबीयत भी डाउन चल रही है और क्लास भी थोड़े दम समय के बाद आ रही है और समय भी नहीं मिल पा रहा है। दवाई खा रहे हैं और क्लास ले रहे हैं और तबीयत ये खराब है। कोई बात नहीं, दर्द है, क्यों ना दर्द को दवा कहें। कतरे कतरे को तरसते हैं लोग, तेरी दरिया दिली को क्या कहें। शुरू करते हैं हम लोग। देखो, जैसे कि अगर हम कहें कि हमारे पास ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। हम उस दिन ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत कुछ बताए थे कि हाउ, कैसे आया, क्या हुआ, क्यों हमारे लिए यूज़ की जाती है। देखो, बड़े बड़े आर्कास्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है। जैसे हम कहें ए बी सी, ये बोझा है। अगर हम इसे कहेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कोई हाइपोटेनस। इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस। यानी कि हम लोग इसे बोल सकते हैं कर्ण, इसे बोल सकते हैं लंब, और इसे बोल सकते हैं हम लोग आधार। इतना तो सब लोगों को पता है कि ये क्या बोले जाते हैं। देखो, इतना तो बोले जाते हैं, लेकिन हम निकालेंगे कैसे, तो एक चीज बताएगा। अगर हम कहें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, वन होता है। आप लोगों को क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, वन। अब ये वन कैसे होता है, देखो तो ये एक आइडेंटिटी है। अब एक आइडेंटिटी ये, अगर इसे आप लोग जान जाओगे तो इससे दो आइडेंटिटी और निकल आएंगी। मतलब एक ये है, दो ये निकल आएंगी, कितनी हो जाएंगी, जो तीन हो जाएंगी। तो देखो, इससे कैसे, इससे पहले देख लेंगे बनेंगी कैसे। जैसे हम अगर यहाँ कहें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वन। अच्छा, साइन क्या होता है, साइन होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण। नहीं, लंब कितना है, ये है, और कर्ण क्या है, ये है। तो साइन तो क्या होता है, लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा दिया, सब लोग जान रहे हैं। ऐसा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अच्छा, हमारा आधार कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे कर्ण, ठीक है। अच्छा देखो, लंब जो हमारा कर्ण सेम है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखो, ये कर्ण स्क्वायर है और ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अच्छा, हमें बताओ, हम उस पिछली क्लास में बताए थे कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कहोगे भैया कर्ण स्क्वायर होता है। और हम यही बताए थे पाइथागोरस की प्रमेय, कि अगर हम इस वाली भुजा का और इस वाली भुजा का वर्ग करेंगे तो तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर आएगा। देखो, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, तो इसके वर्ग के योग के बराबर आ गई। जैसे कि अगर हम कहें ये वाली भुजा 3 है, ये वाली 4 है, तो जाहिर सी बात है ये 5 हो जाएगी। क्योंकि अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो 3 × 9, इसका वर्ग करेंगे 4 × 16, 9 और 16 होता है 25। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, समझ पा रहे हो? तो अगर हम इससे स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। इतना तो बेसिक पता ही है, और अगर इतना ही बेसिक नहीं पता है तो आप लोगों को तैयारी करने की जरूरत है, ना कि तैयारी छोड़ने की जरूरत है। देखो, हम पहले ही बता चुके हैं, जो बहुत एक्सट्रीम लेवल के स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे भाई लोग हैं, अगर वो इस वीडियो को स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो अपने आप को समझते होंगे हाँ आई एम गॉड। तो उन गॉड लोगों के लिए कहना है कि भाई आप लोग गॉड हो, बेस्ट ऑफ लक, बट अगर आप में आपको इसे कुछ ना मिले, तो जो लोग शुरू से सीखना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं,
कि ट्रिग्नोमेट्री को कैसे शुरू से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कहाँ से शुरुआत करें, तो वीडियो उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर करने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन शायद उनका कुछ बन जाएगा, समझ रहे हो। एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है भैया, क्योंकि कर्ड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कर्ड स्क्वायर, कर्ड स्क्वायर बटे कर्ड स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, तो कहोगे वन बचेगा, क्या बचेगा वन, अच्छा यही तो वन आया है, जरा देखिएगा यही तो वन हम पहले रख चुके थे, यहाँ क्या आया है वन। तो हम लोगों को चीज समझ में आई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक होता है, इतनी चीज समझ गए हो, और नहीं समझे हो तो समझ लीजिएगा, आज समझ लीजिएगा, क्योंकि आज जो जितना बेसिक से जितना धीमे जितना डीप हम पढ़ा पा रहे हैं उतना आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, फिर आगे आपकी इच्छा, अगर आप उसे याद रख पा रहे हो तो इसे भी याद रख पाओगे, अगर इसे भी याद नहीं रख पा रहे हो तो उसे ही भूल जाओ, और ये तो याद ही नहीं है, समझ पा रहे हो। हाँ तो इसे हटा रहे हैं, इतना समझ में आया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कल्पन होता है तो कैसे होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ रहे हैं, इसके दो रूल्स निकाल रहे हैं, हो गया ठीक है। देखो ये तो वन निकल कर आ गया, अच्छा अगर हम इसे दूसरी निकालना चाहें तो क्या निकल पाएगी, देखो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा उस साइड ले जाएंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको ये कैसे आया, अब अगर कहो ये कैसे आया तो भाई अभी जाओ, अभी दिन है तो कोई बात नहीं, रात में देख दिन है तो अभी जाओ स्कूल में, क्लास फोर्थ से एडमिशन कराओ, ये सारी चीजें दोबारा से समझ में आएंगी, और तब भी समझ में ना आए तो फिर पढ़ाई छोड़ दो, अगर इतना छोटा नहीं समझ पाओगे फिर क्या समझोगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया है, देखो क्या किया है हमने, ये साइन स्क्वायर थीटा है उस साइड पहुंच गया तो क्या हो गया वन, यदि ये पहुंच जाएगा माइनस का हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का क्लियर कर रखे हैं, समझ गए। तीसरी क्या हो जाएगी, देखो अभी हमने कॉस स्क्वायर छोड़ा, अब साइन को छोड़ रहे हैं यहाँ पर, तो जरा साइन स्क्वायर थीटा बराबर छोड़ दो, तो साइन यहाँ छोड़ दिया कॉस उधर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर, देखो ये तीन आइडेंटिटी निकल कर आई हैं। देखो अब ये मत समझ लेना कि भैया तीनों आइडेंटिटी खत्म हो गई, तीनों आइडेंटिटी के ऊपर मतलब ये एक आइडेंटिटी है, इसके ये दो, इसके बेस पर ये दो फॉर्मूले यहाँ से निकल कर आते हैं, चाहो तो याद कर लो, अगर नहीं याद कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं। अब देखो इससे ही काफी सारी इससे भी काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, जैसे अगर हम दो नंबर को यहाँ पर लिखना चाहें, दो नंबर को कहें कि दो नंबर को कैसे ड्राइव करेंगे, देखो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बहुत कुछ हो सकता है, जैसे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्लास सेवेंथ और सिक्स में शुरू हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्गांतर का फॉर्मूला, वो तो पता ही होगा ना, तो क्या हो जाएगा, देखो वन का स्क्वायर यहाँ पर कर सकते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो वन प्लस साइन थीटा और इंटू वन माइनस साइन थीटा। अब क्या समझ पाए हो, अब समझ पाए हो कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारे पास वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा। अच्छा अगर हम तीसरी आइडेंटिटी की बात करें तो सेम तीसरी आइडेंटिटी इसी प्रकार से निकल पाएगी, कहें हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भैया जरा बताओ, तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा और कहोगे वन माइनस साइन थीटा, आप कहोगे भैया इतना हम कैसे याद करेंगे, देखो याद तो करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम सारा कुछ बता चुके हैं, समझ रहे हो, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सारा कुछ बता चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये वर्गांतर का बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। अच्छा ये क्या होता है जो हम वर्गांतर बता रहे हैं, देखो अभी यहाँ समझ लीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर समझ लीजिएगा, जैसे कहें हम ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है तो कहोगे भैया ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के बेस से या हम लोग जब अलजेब्रा पढ़ेंगे उसके बेस से वेस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिएगा ना, जितना आप दिन में उसको ना उसका नाम रटते हो उतना ही दिन में इसका नाम रट लो, कल्याण भवा मतलब कल्याण हो जाएगा, उससे बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं, बहुत सारे होते हैं फॉर्मूले भी निकल कर आते हैं बहुत अलग अलग बेसिस पर अलग अलग क्वांटिटी पर, और इसकी बेसिस से सवाल भी अच्छे होते हैं, अलजेब्रा में भी अच्छे सवाल आते हैं, जब आप लोगों को अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो देख लेना अच्छे बेस्ट तरीके से और अच्छे तरीके से बताया जाएगा, हालांकि अलजेब्रा का ही एक फॉर्मूला है जो काफ़ी जगह यूज किया जाता है, कोई बात नहीं, समझ पाए हो कि इस एक आइडेंटिटी से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, एक तो ये, एक ये। अब देखो इन दोनों से क्या हमने निकाला, देखो जरा
इतना समझे देखो कुछ भी नहीं है, बस समझने की देर है। समझ जाओगे तो सब कुछ आ जाएगा, ध्यान लगाओगे तो सब कुछ आ जाएगा, अगर उसको याद करोगे तो जो पास है वो भी चला जाएगा। समझ रहे हो? हाँ, ये पहली आइडेंटिटी खत्म कर दी हमने। सेकेंड आइडेंटिटी के ऊपर चलते हैं, तो इसके ऊपर बहुत सारे सवाल, अच्छे अच्छे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल आएंगे। और ये एक आइडेंटिटी जैसे कि हमने अभी खत्म कर दी, आपको लगा बस खत्म होगी, नहीं खत्म अभी नहीं हुई है, इसमें अच्छे अच्छे सवाल और बहुत बेहतरीन तरीके से सवाल करेंगे। डोंट वरी, जैसे कि अगर हम तुमसे अब आप लोगों से हम ये कहें, देखो कि दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। इसे हमने तीन दो आइडेंटिटियों को प्रूफ किया और दोनों को हमने बताया कि कैसे होते हैं, और उससे कुछ बेसिक टाइप के अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले ही बनाए थे जो कि बन गए थे और हम लोगों को शायद याद भी हो गए थे। जैसे अगर हम बोले कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कहोगे भैया वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा। तो कॉस वाले में साइन हो जाएगा और साइन वाले में क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, क्योंकि जब इधर से हम लोग साइन को हटाएंगे तो कॉस बचेगा सिर्फ। अब जब सिर्फ कॉस बचेगा तो इधर साइन हो जाएगा, तो वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा इतना हो जाएगा। इतना समझ पाए हो? और सेकंड हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो दोनों साइड में हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा का हम लोग भाग दे देंगे। अब अगर दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा का भाग देंगे तो जरा देखो, देखो इधर भी साइन स्क्वायर थीटा का और इधर भी साइन स्क्वायर थीटा का। अब देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, काट दिए हैं तो देखो क्या हो गया, क्या बचा है, इधर तो वन बच जाएगा प्लस। याद करो कई करोड़ साल पहले हम बताए थे कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है टेन थीटा। याद नहीं है तो वीडियो बैक करके देख लेना, वैसे इतना तो याद ही होगा भाई, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा भैया, क्योंकि भैया कॉट स्क्वायर थीटा। और ये क्या हो जाएगा, जब कई करोड़ साल पहले हम ये बताए थे उसी करोड़ सालों में तो मैं ये भी बताए थे, वन बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भैया, क्योंकि कॉस सेक स्क्वायर थीटा। अब इससे एक चीज समझ आई है, पता है क्या समझ में आई है, इससे ये समझ में आया है कि कॉस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा अब इससे भी निकलेंगे, इसके भी एक नंबर दो नंबर, इसके भी अलग दो अलग फॉर्मूले। जैसे अगर हम इसको हम ए डाल दें, टू का ए, अगर इसको टू का ए डालेंगे तो देखो ये कॉट उधर पहुंच जाएगा, तो कॉट उधर पहुंच जाएगा तो क्या बच जाएगा, अब बचेगा वन बराबर में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, इतना बचा। अच्छा अगर हम क्या करें, इस वन को यहां से हटा करके उस साइड ले जाए, अगर हम यहां हटा करके यहां पर रख दें तो कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्योंकि भाई ना कोई दिक्कत ना कोई परेशानी, इधर से उठाकर उधर ले गए, सिर्फ बराबर ही तो निशान लगा है, कोई बात नहीं। अगर हम यहाँ पर दो लिखें और यहाँ पर दो लिख दें, अच्छा ये भी दो और ये भी दो, अगर हम इसको यहाँ लिख दें और इसको यहाँ लिख दें, कोई दिक्कत परेशानी, कोई कतई दिक्कत परेशानी नहीं। और जिसको दिक्कत परेशानी है वो अभी टेबलेट ले और खा ले, अगर होगी तो परेशानी हो जाएगी ना। हाँ वरना रात में उठ कर जाना पड़ेगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन, देखो वन बराबर भी कुछ और हो सकता है। जैसे देखो वन बराबर अभी हमने क्या बोले हैं, वन बराबर तो एक तो ये हो गया, एक तो वन बराबर ये हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फलाना टाइम का। क्योंकि क्या बता रहे हो भाई, देखो वन का मान क्या हमने बताया था, पहले फर्स्ट आइडेंटिटी बताई थी हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इधर हो सकता है और इधर ये हो जाएगा, समझो। अच्छा अब अगर हम यहाँ टू का अगली जो आइडेंटिटी है वो निकाल कर देखें, तो ये क्या निकल आएगी, ये हमारी अगली आइडेंटिटी निकलेगी। देखो ये हमने इधर वन रखा था, इधर कॉट रख, अगर हम कॉट रख के देख रहे हैं तो देखो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन, समझो। ये वन था उधर पहुंचा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इधर से वन आया उठ कर इधर आ गए माइनस का हो गया। भाई अभी माँ के लड़के हो और जब ससुराल जाओगे तो क्या हो जाओगे भैया, दमाद आ गए, समझ पाए हो भाई। यहाँ है कि अगर वन यहाँ पर प्लस का है, ससुराल पहुंच गया तो क्या, दमाद आ गया यानी माइनस का हो गया, समझ रहे हो ना। दमाद बनने की कह दी तो बड़े खुश होने लगे होंगे। कोई बात नहीं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का वन। अच्छा अगर अब कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग निकालेंगे तो क्या निकल पाएगा, जरा सोच के देखो। देखो ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा और प्लस का वन इंटू कॉसेक थीटा
और माइनस का वन। अंग्रेजी थोड़ी ज्यादा साफ शुद्ध लिखी है तो समझने में दिक्कत हो सकती है, तो सुन लो कौशिक थीटा माइनस का वन है, बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है तो लिख लीजिएगा। भाई कहोगे क्या लिख रहे हो, कौशिक थीटा माइनस का वन कहोगे क्या, उर्दू लिख दिए, उर्दू हमें भी नहीं आती, पढ़ना सीखेंगे तब बताएंगे। अब देखो इसके इसी का ही एक ये फॉर्मूला निकल कर आ गया है, याद करने की कतई जरूरत नहीं है, याद अपने आप हो जाएंगे, बस आप लोगों को एक ये याद करना है, दूसरा वाला एक फर्स्ट वाला, इससे तुम चार वो बना पाओगे, इससे ये भी बना पाओगे, अच्छा ये भी तो कर पाओगे कुछ, क्या कर पाओगे देखो, कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा सॉरी इंटू कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा, समझ रहे हो ना, प्लस भी करके निकाल लोगे, ये निकाल पाओगे, इसके बराबर भी बन हो जाएगा, ये तमाम सारी चीजें हैं जो इस टाइप से हम लोग निकाल पाएंगे। देखो इसके भी दो हो गए, इसके भी दो निकाले हमने, तो यानी कि टोटल ये इससे बने जाके तीन, फिर हमने इससे भी निकाले तो दो ये टोटल ये भी तीन हो गए, अगले और तीन आएंगे, फिर हमने इनके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट दो फार्मूले और निकाले थे, दो फार्मूले और निकाले ना, वो भी देख लीजिएगा हो जाएगा, ठीक समझ पाए कि क्या हुआ कैसे हुआ, ठीक है। हाँ इसे हम रफ कर रहे हैं, अगली आइडेंटिटी की तरफ चल रहे हैं, वन देखो क्या है, हमारी पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, देखो ये पहली है, हमने इसी से दूसरी निकाली और वो निकाली आप लोगों के सामने, आप लोग समझ गए कैसे निकाली है। अच्छा अगर हम तीसरे नंबर पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा सोच के देखो, अभी हमने इस पर साइन का भाग दिया था, अगर हम कॉस का भाग दे दें, अब हम डायरेक्ट करेंगे समझ लीजिएगा, अगर हम यहाँ पर कॉस का देंगे तो साइन बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि भैया टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस बटे कॉस होगा तो ये कट जाएगा यानी कि वन बचेगा, बराबर में एक बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, हम उसी वीडियो में बताए थे जब हमने कई करोड़ साल पहले वो वीडियो बनाई थी, ढूंढो प्लेलिस्ट में जाओ कौन सी वीडियो है उसे देखो, अपने आप खुद ब खुद सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो इससे भी दो फार्मूले बनाए जा सकते हैं, जैसे कि अगर हम थ्री का एक याद कर लें कि थ्री का एक कौन सा हो जाएगा, तो देखो टेन इधर बना रहे दो बन उधर पहुंचा दो तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन। अच्छा अगर हम थ्री का बी निकाल कर देख लें तो क्या हो जाएगा, वन बराबर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, इतना तो समझ पाए हैं, जाहिर सी बात है समझ पाए हैं भाई, इतना ना समझ पाए तो क्या करोगे, उसके दिल को पढ़ लेते हो, बस लिखा हुआ सवाल ना पढ़ पाओगे तो फिर एसएससी कैसे पास करोगे, समझ रहे हो। अब देखो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन, अब ये माइनस का है इधर आया है तो प्लस का हो गया है, चीजें वही रही हैं, कुछ चीजें बदल गई हैं, समझने की देर है, समझ चुके हो, अब क्या करने हैं हम लोगों को, कुछ नहीं करना है, देखो इससे हम लोग बना सकते हैं अगर हम इसको निकालना चाहें, इस वाले को भाई यही है, अगर हम इसको टेन स्क्वायर थीटा बराबर निकालना चाहें तो क्या निकालोगे जरा बताओ मेरे को, क्योंकि भैया बस करो ज्यादा मुंह ना चलाओ, अब हम होशियार हो गए एकदम, अब चाहो तो हमें सवाल देकर देख लो और हम सवाल भी लगा देंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से लगाएंगे, ये हो जाता है सेक थीटा माइनस का वन, समझ पाए हो, क्योंकि वर्गांतर का फॉर्मूला हमने ऐसे रटा है जैसा उसके नाम रटा था, जैसे पहले वाले का नाम रटा था, पहले वाले का नाम लेंगे तो भाई दुखी हो जाएंगे भाई भाई लोग, कोई बात नहीं, पहला प्यार भुलाया नहीं जा सकता, जिस तरह से इस फॉर्मूले को भुलाया नहीं जा सकता, देखो वन बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा है, तो देखो वन बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा और प्लस का हो जाएगा टेन थीटा, अब देखो इधर सेक थीटा और माइनस का टेन थीटा, समझ पायो, और ये आ गया हमारा आंसर, जब मैं छोटा बच्चा था तो इसी तरह से लिखता था, आज बड़ा नहीं हुआ हूँ बस पढ़ा रहा हूँ, समझ पायो, ऐसे आंसर लिख दिया करते थे आंसर, ठीक है समझ पायो। हाँ इसे ही प्रूव करने में, ओ ये कुछ आइडेंटिटीज थी हमने आप लोगों को बताई हैं,
विधिपत नोट्स बनाते रहना है। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो अगर आप लोगों ने ये नोट्स बना लिया ना, तो इस बात का हमारा दावा है आने वाली 5 साल तक जितने भी सवाल आएंगे इससे बाहर नहीं आएंगे। जितने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए ना, ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल नहीं छूटेगा। जब हम पुटिंग मेथड बताएंगे, सूजो मेथड बताएंगे, तो बहुत सारे सवाल लग जाएंगे। हम इस बात की तो गारंटी नहीं ले रहे हैं कि आप पर सारे सवाल लगेंगे। देखो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने सवाल लगेंगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सवाल हम पर नहीं लगेंगे। आप कौन सी चीज हो, समझ रहे हो? तो प्रैक्टिस इज द बेस्ट टीचर। प्रैक्टिस करिए, करते रहिएगा, मॉक लगाते रहिएगा, सब कुछ होगा, अच्छी तरह से होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेने में ध्यान रखें, क्योंकि समय को देखते हुए कुछ चीजों को नजरअंदाज करते हुए आपके दर्द के साथ आगे बढ़ रहे हैं एक दो सवालों को लेकर। हमें उम्मीद है कि आप लोग सवाल लगा पाएंगे। तो पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, आपके मोबाइल फोन में। अगर फोन ना लगे, अगर सवाल ना लगे, तो अभी से अभी उसका नंबर ब्लॉक नहीं करना यार। नंबर ब्लॉक करोगे बात किससे करोगे? कर देना यार, नहीं करना, तुम्हारी इच्छा है, करो करो, ना करो तो और अच्छी बात है। पहले मैं सवाल लिख रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 है, सवाल बढ़िया है, बस लगाइएगा और एंजॉय कीजिएगा, ठीक है? देखो सवाल फर्स्ट हमारा क्या है, तो सवाल है स्क्रीन पर, sec थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 10 हो तो sec थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना होगा? और इसका आंसर हमने सवाल को देखा है और आंसर 1/10 आ गया है। सवाल को बंद किया जाए, सवाल लग गया है। कहोगे हाउ, कैसे लगा भैया, हमें भी तो बताओ। देखो कैसे लगा, कुछ नहीं करना है, बस देखना है और सवाल को लग जाएगा। बस थोड़ा दिमाग में कॉन्सेप्ट गूंजते रहिएगा, घुमाते रहिएगा, चीजें हो जाएंगी। sec थीटा प्लस का tan थीटा बराबर 10 है, और कभी भी sec थीटा माइनस tan थीटा पूछा जाए तो आंख मीच कर 1/10 कर दीजिएगा। जैसे अगर सवाल में दिया हो कि sec थीटा और प्लस का tan थीटा बराबर कोई भी वैल्यू मान लो, एज्यूम कर लो एक्स वैल्यू है, और आप लोगों से पूछा है कि sec थीटा माइनस का tan थीटा कितना हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, बस इसका अलग इनका इसका अपोजिट कर देना है, बस खत्म खत्म खलास, जो भी है आप पास। समझ पाए हो? देखो भाई, तो हम बता दिए हैं किस टाइप से अगर आएगा तो कैसे करोगे। आप कहोगे भैया नहीं नहीं, अगर आया है 1/x यहाँ पर आ गया, लो भैया, और इसका मान पूछते कितना होगा जल्दी बताओ। अगर अब इसका मान पूछेगा तो अगर इसका मान 1/x है तो इसका x हो जाएगा। कभी अरे अरे ऐसे कैसे 1/x, इसका मान हो जाएगा, इसका मान 1/x/x, ओ सॉरी, इसका मान हो जाएगा 1/1/x, ये हो जाएगा ना। और हम कहेंगे हाँ यही हो जाएगा, फिर ये यहाँ पर पलट कर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा ना। समझ पाए हो कि नहीं? बस x का ख्याल रखना, x तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करके गई थी, इसे ना भूलना। x बड़ी दर्द भरी है, एक्स बड़ी बेवफा है। समझ पाए हो? कितना आया, एक्स ही आया है, समझे हो? देखो अब इसे हम कैसे हट कैसे लाए हैं, कहां से आया है, वो सारी चीजें बताएंगे धीमे धीमे धीमे, बस धीमे धीमे धीमे। देखो कैसे, इसे अगर हमने जस्ट अभी बताया था आप लोगों को, क्या बताया था कि भैया sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है, तो हम कहेंगे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, आपने पढ़ा क्यों नहीं सही से, वीडियो को रिवाइंड करो, वापस जाओ, जाकर के देखो कि कहाँ पर पढ़ाया था। अरे यार पीछे ही पढ़ाया था, बस तीसरा नंबर दूसरा नंबर यही पढ़ाया था, दूसरा तीसरा नंबर टॉपिक तीसरा नंबर जो हमने फॉर्मूला बताया था वही बताया था। देखो देखते रहने का रहना, याद हो जाएंगी सारी चीजें, किसी से कुछ मत कहना। देखो अब हम इसे क्या लिख पाएंगे, क्योंकि भैया इसे लिख पाओगे आप sec थीटा प्लस का tan थीटा, हमने की वेरी वेरी गुड, क्योंकि और तो और लिख पाओगे भैया sec थीटा माइनस का tan थीटा, हमने की वेरी वेरी गुड, और इसे बन लिख पाओगे हमने की एक्सट्रीम वेरी गुड, समझो? इसे हमने ये लिख लिया। अच्छा इसका कुछ कर पाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ कर पाएंगे, sec थीटा प्लस का tan थीटा बराबर, अगर हम निकालेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, बराबर किधर जाएगा तो नीचे झुक जाएगा, मतलब भाग में आ जाएगा, डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 1/sec थीटा और माइनस का tan थीटा, यह आपके शान आपका आंसर। अगर हम आपसे कहें
कि sec थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कुछ भी दिया हो तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा जो वहां पर दिया हो। नहीं समझे, दोबारा समझो, समझने के लिए वक्त है, पेपर देने के लिए वक्त नहीं। देखो इतना समझ पाए हो कैसे आए हैं। अच्छा अगर हम कहें इसका मान p दे रखा है, सवाल में ही मांगे इसका मान p x मान लें, जिस तो बताया था x, अगर हम एज्यूम कर लें इसका मान x है, तो देखो अगर इसका मान x हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, एक बटे sec थीटा माइनस का tan थीटा कोगे बिल्कुल भैया हो जाएगा। अच्छा अगर हमने इसको x माना है, एक बात ध्यान रखिएगा लिखने के लिए बोर्ड में जगह कम पड़ रही है, कोई बात नहीं आगे चलिएगा। अगर हम इसे यहाँ लाएंगे x को इधर ले आएंगे तो हमारी जिंदगी को x बर्बाद करके गई थी, और जब से उसने छोड़ा था तब से हमने ट्रिग्नोमेट्री को अपनाया था क्योंकि हमें पता था उसमें x आती है। जरा इसे भी देख लीजिएगा, समझ पाए हो कि भाई अगर sec थीटा माइनस टेन थीटा बराबर वन अपॉन एक्स है तो sec थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स हमने अज्यूम किया था। समझ पाए हो भाई, इसे हमने क्या माना था, एक्स माना था, तभी तो ये वन अपॉन एक्स आया। अगर हम इसे एक्स मान लेते तो ये वन अपॉन एक्स आ जाता, इसे मानोगे ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा। बात तो भाई है ना, समझ पाए हो। देखो तो एक बार खुद से करना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारी चीजें क्लियर। समझ पाए हैं, क्लियर। मैथ में पैसा नहीं होने का, सारे सवाल लगेंगे, बस निश्चिंत रहिएगा। विघटक सवाल को देखेंगे, आंसर जाएंगे धड़क धड़क धड़ धड़क, समझे। जैसा एक सवाल आपकी स्क्रीन पर और आ रहा है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर सही अपनी भाषा में अपने बे में समझ कर लिख लेना, क्योंकि जो काम आएगा उसे नहीं भूलना, और वैसे भी जो काम नहीं आता उन्हें याद क्यों रखता है। ठीक है, हटाने से ठीक, ओके डन। एक और तलकता भड़कता सवाल लो, और क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू एकदम जहरीला टाइप का। sec थीटा माइनस का tan थीटा बराबर है आठ बटे पांच, तो sec थीटा सॉरी तो tan थीटा प्लस sec थीटा का मान बताओ, बताओ बताओ कितना होगा, एक दो तीन चार पांच, टाइम अप, खत्म। आंसर होगा पांच बटे आठ के, कैसे लगाया नहीं बताएंगे क्यों कैसे लगाया, पांच बटे आठ आ गया उत्तर, टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर पांच बटे आठ। समझ पाए सवाल को कैसे लगाया, इसी टाइप के बहुत सारे सवाल आप लोगों के ऊपर लफ्ज आएंगे, कोशिश करिएगा हम लोग आगे भी इसी तरह के सवाल करेंगे। और ये टॉपिक थोड़ा अभी खत्म नहीं हुआ है, जैसे जो हमने आइडेंटिटी बताई, इन आइडेंटिटियों के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, और हम लोगों को एक एक आइडेंटिटी लेकर के अच्छे अच्छे सवालों के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि वैसे आइडेंटिटी तो लोग इतना ही पढ़ा देते हैं, खत्म हो जाता है, कोई बात नहीं, हम आगे तक जाएंगे, जहां तक हद है वहां तक जाएंगे, इसकी तह तक जाएंगे, इसकी जड़ तक जाएंगे। ठीक है, तो हम आज इतना ही रख रहे हैं, और इन टाइप के सवालों को प्रैक्टिस करिएगा, जो हमने आज बताया है बेसिक में वो याद रखिएगा, उनको लगाइएगा, और अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तब तक आपका दिन शुभ हो, खुशहाल रहिएगा, मस्त रहिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।